अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम आपको बताएंगे कि स्टडी कार्ड को रजिस्टर्ड कैसे करना है। तो रजिस्टर्ड करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन करें और यहाँ पे आप लिखेंगे स्टडी कार्ड। स्टडी कार्ड लिखने के बाद आपके सामने ऐप आ जाएगी जिसका ऑरेंज कलर का आइकन ई लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर लें। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको ओपन करूँगा। ऐप ओपन होने के बाद हमारे इस इंटरफेस में आपको दो आइकन नज़र आ रहे होंगे, एक लॉगिन का है और एक रजिस्टर्ड का है। तो अभी कार्ड रजिस्टर्ड करने वाले हैं, तो रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने फॉर्म आएगा। ये फॉर्म कार्ड को वैलिड करता है कि आपका कार्ड वैलिड है या इनवैलिड है। तो यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे, आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे कार्ड नंबर ऐड करेंगे। कार्ड नंबर आपको कार्ड के ऊपर से मिलेगा, आप स्क्रैच करेंगे और आपको वहाँ से नंबर मिलेगा, वो नंबर आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे कैप्चा पुट करेंगे, जो आपको नंबर या अल्फाबेट नज़र आ रहा है आपने सेम टू सेम वही ऐड करने हैं। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपका भी प्रोसेस नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 2A24J, तो अभी मैं स्टार स्टेशन पर क्लिक करूँगा और आप देख लेंगे प्रोसेस सक्सेसफुली मुझे नेक्स्ट पेज पर लेके चला गया है। यहाँ पे आप नाम लिखेंगे जो कि ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप से यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हैं। याद रखिए, एड्रेस में आप कोई सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, आप नंबर और अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे अपना, इसके बाद यहाँ पे आप ईमेल आईडी, आप याहू या जीमेल की आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हॉटमेल की आप आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप यूज़र नेम लिखें। याद रखिए, यूज़र नेम आपने यूनिक रखना है, अगर यूनिक ना हुआ तो सिस्टम आपको अलर्ट कर देगा। यहाँ पे आप पासवर्ड लिखेंगे, यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, यानी क्लास 8 सेलेक्ट की। अब मैं जिस बोर्ड की बुक्स लेना चाह रहा हूँ उस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे कि मैं PTB की भी बुक्स ले रहा हूँ, तो मैं कोई चेक बॉक्सेस पे क्लिक कर दूंगा। इन बुक्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने स्टडी पोर्टल में। और इसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन करेक्ट हुई तो आपको सक्सेसफुली का मैसेज अपेयर हो जाएगा।